पीपल्स पार्टी का एनडी 127 में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में जलसा, मॉडल टाउन डोंगी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पंडाल में 8,000 कुर्सियां लगाई गईं। जलसागाह में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जयालों की आमद का सिलसिला जारी है। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन जी, पीपल्स पार्टी ने लाहौर में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज जोरों शोर से जारी शुरू कर दिया हुआ है और पीपल्स पार्टी के हलका एनए 127 में पीपल्स पार्टी के मतवक्को उम्मीदवार फैसल मीर ने यहां मॉडल टाउन के डूंगी ग्राउंड में एक जलसा का एहतमाम किया है, जिसमें खवातीन और कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है और कुछ मजीद पहुंच रहे हैं। ये हमारे साथ एक शायर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप ये बताइएगा कि आपने शायरी की, कैसा लगा? जी, मैं 35 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नगमे लिख रहा हूं और बहुत ज्यादा तादाद में हैं। अभी ये एक लोगो है, अब की बार जरदारी सरकार ये नया तराना लेके हाजिर हुआ हूं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी चलेगा और कमाल कर देगा। जी, आप फरमाइए, आप परफॉर्म करेंगे? जी, मेरा नाम सईद मुगल और मैं सिंगर हूँ और मैं पीपल्स पार्टी के लिए कैसे मिराज साहब का लिखा हुआ जो तराना है अब की बार जरदारी सरकार, ये परफॉर्म करने के लिए आए हैं यहाँ पे। मैं सिंगर हूँ आयशा और आज हम इनके साथ आए हैं कैसे मिराज और सईद मुगल साहब के साथ। आज हम इनके साथ परफॉर्मेंस करेंगे और जो आज हम इनके साथ परफॉर्मेंस करेंगे और ये जो लोगो है इनका अब की बार जरदारी सरकार, ये इन्होंने नज़्म लिखी है और हमें वैसे भी बहुत अच्छा लगा इनके साथ परफॉर्मेंस करके। आज इनके साथ हम लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि ये पीपल्स पार्टी के जाले भी हैं और ये उनके परफॉर्मर भी हैं, उन्होंने यहाँ आप देख सकते हैं कि अब की बार जरदारी सरकार का एक लोगो भी है, ये इन्होंने इस पे परफॉर्म भी करना है और इस वक्त जो जलसा गाह है वो भरने के करीब है और अभी कुछ ही देर के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल यहाँ आकर खिताब भी करेंगे। जी।